नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का क्रेज आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं खुद जब इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को सुनता हूं तो मेरा मन करता है कि यार मैं भी कुछ बनाऊं, आप लोगों को सुनाऊं और दिखाऊं ट्यूटोरियल उसका। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रोग्रेसिव हाउस एम्बिएंट म्यूजिक टाइप का मैंने कुछ बनाया है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो इसमें शुरुआत में आप देखोगे कि मैंने कुछ एम्बियंस बनाया है और उसके बाद मैं ईडीएम की फील पर धीरे धीरे आया हूँ और उसके बाद मैंने कंप्लीट ईडीएम ट्रैक पर मैंने ट्रांजिशन कर लिया है। तो चलिए मैं एक बार आपको इसका म्यूजिक सुनाता हूँ। आई होप आपको ये म्यूजिक पसंद आया होगा। अब हम इस सॉन्ग को बनाने के लिए जो मैंने स्टेप्स सबसे पहले लिए उनके बारे में बताता हूँ। देखो, कोई भी सॉन्ग स्टार्ट होता है उसकी मेलोडी और कॉर्ड प्रोग्रेशन से। तो सबसे पहले मैंने इस सॉन्ग की मेलोडी और कॉर्ड प्रोग्रेशन को बनाया था और उन दोनों में भी मैंने सबसे पहले कॉर्ड प्रोग्रेशन को बनाया था। तो कॉर्ड प्रोग्रेशन मेरा कुछ इस तरीके का था। तो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन मैंने बना लिया। इसके बाद बारी आती है लीड की। अब अगर हम लीड और कॉर्ड प्रोग्रेशन को एक साथ सुनते हैं एक एम्बिएंट फीलिंग इसकी जो मेलोडी है उसी से ही आ रही है। तो आपकी जो मेलोडी है और कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके म्यूजिक में। तो अभी मैंने पियानो पर क्या क्या इफेक्ट लगाए हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आप, मैं न्यूटन 4 को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बस ईक्यूइंग करी हुई है और लो कट किया हुआ है। इसके साथ मैंने किक स्टार्ट को अभी ऑफ कर दिया ताकि मैं आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन को क्लियरली सुना पाऊँ। ये किक स्टार्ट बस पंपिंग जो साउंड में साइड चेनिंग वाला इफेक्ट है उसको लाता है, ठीक है। और बाकी मैंने जो रिवर्व यूज़ किया है, मैंने रिवर्व रैक वाला यूज़ किया है और रैक सिस्टम में देखो यहाँ से राउट हो रहा है और ये यहाँ पर इस रैक में जा रहा है। मैंने यहाँ पर रोम को यूज़ किया है, नेटिव इंस्ट्रूमेंट का रोम। बहुत ही अच्छा एम्बिएंट रिवर्व बनाता है। और इसके साथ मैंने सूथ 2 को भी यूज़ किया है जो कि यहाँ पर हल्का सा जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जो रिवर्व के अंदर बन रही है उनको ख़त्म कर रहा है। साथ ही साथ मैंने किक स्टार्ट का यूज़ किया था लेकिन मैंने उसको रिवर्व में बंद कर दिया बाद में। ये रिवर्व रैक में मैंने पहले यूज़ किया था जिसमें मैंने बंद कर दिया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, कॉर्ड प्रोग्रेशन आ गया और लीड आ गई। इसके बाद मैंने अपनी लीड को प्ले किया है। ये जो लीड है ये मैंने सीरम पर प्ले करी हुई है और सीरम के भी मैंने यहाँ पर 3 प्रीसेट बनाए थे। ये मैं खुद नहीं ही मैंने बनाए हैं। ये मतलब ये ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अलग अलग वेव्स को यूज़ कर लीजिए, जो भी आपको अच्छी लग रही हैं उनकी यूनिसन्स वो सेट कर लीजिए और जो भी आपको उनमें ऑटोमेशंस या एनवलप देने हैं वो बना लीजिए। पोर्टा की वैल्यू कुछ दे दीजिए। तो मैं एक बार आपको ये सुनाता हूँ।
तो ये था फर्स्ट लेयर। अब देखो सिंपल है लेयर, ज्यादा कुछ ऐसी अमेजिंग साउंड नहीं कर रही है। उसके बाद मैंने दूसरी लेयर जो ली है, और इसके बाद तीसरी लेयर जो ली है, तो ये वाली जो लेयर है ये बिल्कुल फ्रंट में आ रही है। और लेकिन इन तीनों को एक साथ सुनते हैं तो इस तरीके से आप बिना कोई प्रीसेट को यूज किए अपनी जो लीड्स हैं उनको डिजाइन कर सकते हो। मतलब खुद ही करो, मैं ये कहूंगा कि ज्यादा प्रीसेट्स पर डिपेंडेंसी मत बनाओ। मैंने लीड में कौन कौन से इफेक्ट्स को यूज किया है वो आपको दिखा देता हूं। यहां पर मैंने हाई कट किया हुआ है इसको 10,500 पर, EQ का यूज किया है। इसके बाद मैंने वेव्स का जो सेचुरेशन का प्लग इन है मैग्मा BB ट्यूब्स, इसको यूज किया है। कोरस के लिए मैंने एक इफेक्ट को यूज़ किया है फ्रूटी कोरस, और एक्सफर OTT को यूज़ किया है। आप ये देख लो ये सेटिंग है। उसके बाद मैंने अगेन न्यूटन 4 को यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने लो कट किया है। साथ ही साथ मैंने सूथ 2 का यूज़ किया है जो कि इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हार्श फ्रीक्वेंसी उनको हटा रहा है। यहाँ पर मैंने अभी लो कट और हाई कट जो ये लीड्स ओपन और क्लोज होती रहती हैं जगह जगह पर, उसके लिए मैंने DJM फिल्टर का यूज़ किया है। इसके साथ मैंने किक स्टार्ट का यूज़ किया है, तो मैं इनको अभी एक्टिवेट कर देता हूँ। ये मैंने अभी आपको सुनाने की वजह से बंद कर रखे थे ताकि आपको बिना पंपिंग वाला साउंड सुनाई दे। अब हम आगे आ जाते हैं। इसके साथ मैंने एक प्लग का साउंड और जोड़ा है, ये भी प्लग का साउंड मैंने सीरम के ऊपर बनाया है, खुद ही नहीं बना लिया। सिंपल है, देखो इस टाइप का एनवलप आपको बनाना है, और इसको मैंने डाल दिया है कट ऑफ के ऊपर जिससे आपको हल्का सा कट ऑफ का साउंड भी एनवलप से जुड़ता हुआ सुनाई दे रहा है। बाकी आप देखो इफेक्ट में मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर अगर इस रैक पे आते हैं तो यहाँ पर मैंने एक्सफर OTT का यूज़ किया है, न्यूटन 4 का यूज़ किया है, साथ ही साथ DJM फिल्टर और किक स्टार्ट, जिनको मैं जनरली हर लीड या प्लग या फिर बेस के साउंड पर यूज़ करता हूँ, वहाँ पर ये यूज़ किए हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने बेस का साउंड यूज़ किया है। अब बेस में देखो, एक तो सब बेस है, मैं सब बेस को जनरली इस तरीके से बनाता हूँ जिसमें ज़्यादा नोट नहीं हो, क्योंकि सब बेस क्या है आपको बस फील देता है। तो मतलब लोअर एरिया में, बिल्कुल लोअर ऑक्टेव में प्ले हो रहा है, तो मैं अगर ज़्यादा नोट नहीं रखना चाहता सब बेस में, इसलिए मैं इनको बिल्कुल फ्लैट मैंने अभी प्ले किया है। और मैं आपको अभी बेस को एक बार बंद करके दिखाता हूँ साइड चेनिंग जो हो रही है इस बेस में। तो अभी किक स्टार्ट को मैंने बंद कर दिया है, तो बहुत ही ज्यादा हैवी जो साउंड आ रहा है। मैं एक बार आपको एक तो ये सब बेस का साउंड सुना देता हूं। देखो सब बेस में अभी साइड चेनिंग एक्टिवेटेड है, ये 15 नंबर के दूसरे मिक्सर पर गया हुआ है, ये बात आप ध्यान रखो। तो अभी आपने हेडफोन लगा रखा हो तभी आपको ये सब बेस सुनाई देगा। इसके बाद देखते हैं बेस की एक लेयर। तो देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ मैंने किया हुआ नहीं है, FX पर भी आप जाके देखो कुछ नहीं किया हुआ। यहाँ पर यूनिसन भी मैंने 1 रखा हुआ है। इसके साथ अगर बेस 1 पर आते हैं जो कि दूसरी लेयर मैंने यूज़ करी है, तो ये वाली लेयर है जो आपको मेनली सुनाई दे रही है। तो इसमें देखो मैंने क्या किया हुआ है, ये सेटिंग आप देख सकते हो, स्क्रीन शॉट ले सकते हो। यहाँ पर हल्का सा डिस्टॉर्शन मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ जो आपको घबराने की ज़रूरत हो, अगर इनको एक साथ सुनते हैं तो ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने एम्बिएंट पैड बनाए हैं, खुद ने ही बनाए, अगेन ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। देखो एक तो मैंने 100 वेव ली है, 100 वेव में थोड़ा सा मैंने अटैक दिया है, डिके दिया है और सस्टेन मैंने दिया है। तो इस तरीके से ये सेटिंग रखी है, और इसमें मैंने नॉइज़ ले लिया है हल्का सा, और यहाँ पर FX में तो मैंने कुछ लिया हुआ नहीं है। तो मैं एक बार आपको पैड के दिखा देता हूँ, पैड पर भी मैंने क्या इफेक्ट यूज़ किए हैं। अगेन लो कट किया हुआ है इसको और साइड जेन किया हुआ है। मैं अभी आपको बेस पर मैंने क्या इफेक्ट यूज़ किया है उनको दिखाना भूल गया था, मैं उनको भी दिखा देता हूँ। एक्सफर OTT को यूज़ किया था, मैग्मा ट्यूब्स को यूज़ किया है, और न्यूटन 4 को मैंने यूज़ किया है। न्यूटन 4 में मैंने लो कट किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैंने सब बेस डाला हुआ है, तो सब बेस के लिए मैंने जगह बनाई है। सब बेस के इफेक्ट्स भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा अगर क्या यूज़ किए हैं। और इसके अलावा मैंने सूथ 2 का यूज़ किया है। किक स्टार्ट को मैंने अभी डिसेबल कर दिया था, उसको मैं अनेबल कर देता हूँ।
सब बेस पर हम आ जाते हैं। सब बेस पर आप देखोगे तो मैंने इसको बिल्कुल ही हाई कट किया हुआ है, इसकी लो फ्रीक्वेंसी ही मेरे को चाहिए, उनको ही रखा हुआ है, बाकी इसमें कोई इफेक्ट मैंने नहीं डाला हुआ है। तो प्योर साइन वेव जा रही है सब बेस के अंदर। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या क्या बीट को बनाने के लिए सैंपल्स को यूज़ किया है। बाद में और भी कुछ मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट जुड़ रहे हैं जो जैसे जैसे आएंगे मैं आपको सुनाता चलूंगा। तो ये किक, हैट और क्लैप का जो एक बेसिक बीट होती है जो हाउस म्यूजिक होती है वो मैंने यूज करी है। लास्ट वाला बार मैंने खाली छोड़ दिया है इसके साथ। ये कैश्मीर पैक का लूप है जिसको मैंने यूज किया है, और ये राइड और क्लैप का साउंड है, अगर इनको एक साथ सुनते हैं तो। मजा आ रहा है ना सुनने में। अब इसके साथ मैंने बीच बीच में फिल का भी यूज किया है, देखो। और यहां पर भी मैंने अलग एक फिल डाला हुआ है, और यहां पर मैंने गिटार का लूप और यूज किया है। अब देखो यहां पर एक दिक्कत क्या है, गिटार के लूप में जो कॉर्ड यूज हो रहे हैं और मैंने जो सॉन्ग के अंदर कॉर्ड यूज किए हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन स्केल सेम है, एफ माइनर का ही ये लूप है। तो अब अगर मैं इस गिटार के लूप को फ्रंट में रखता हूं तो यहां पर कॉर्ड्स वाली प्रॉब्लम आएगी, कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे। तो इसके लिए मेरे को बस इस गिटार की फीलिंग चाहिए थी, स्केल तो सेम है, एफ माइनर पर ही ये मैंने म्यूजिक बनाया है। तो फिर मैंने क्या किया कि इसका म्यूजिक है वो बहुत कम रखा है, तो ये बैक में चल रहा है। अब हम आगे चलते हैं, एक यहां पर स्ट्रिंग स्टैब का साउंड लगाया हुआ है मैंने, और साथ ही साथ अब एक इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है, ये है एम्बियंट वाले साउंड। तो ये मैंने यहां पर एक कॉयर का साउंड लगाया, वोकल बैंड और ये सॉन्ग स्टार्टर, ये कश्मीर पैक से लिए हुए हैं मैंने, और एक एग्जॉस्ट का साउंड लगाया हुआ है। तो इनको सुनते हैं। तो अगर मैं आपको ये जो एम्बियंट वाला साउंड है इसकी साइड चेन को ऑफ करके सुनाऊं तो देखो कितना अच्छा सुनाई देता है। हेडफोन लगा रखा हुआ आपने, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपके सॉन्ग को बैक में भरता है। तो काफी लोग बने बनाए हुए वोकल बैट्स या फिर ड्रोन्स का साउंड ले लेते हैं। मैं ये कहूंगा कि अब देखो इसमें मैंने एक एक चीज को बनाया है, अगर हम सुने एक एक चीज को, ये वोकल का सैंपल लिया है इसके साथ, और ये सॉन्ग स्टार्टर लगाया हुआ है। तो देखो एक एक चीज मैंने लगाई है, तो अभी जरूरी नहीं है आपको किसी और सॉन्ग में इस तरीके का साउंड मिले। अब हम आगे चलते हैं, एक आर्क मैंने लिया है, ये भी शायद मैंने कश्मीर से ही लिया हुआ है, और ये लेफ्ट और राइट मूव हो रहा है, इसमें मैंने जरूर कुछ ना कुछ कोई प्लगइन या लगाया, नाम भूल रहा हूँ मैं अभी उसका, बताता हूँ आपको। ये रहा आर्क, तो यहाँ पर मैं शेपर बॉक्स का यूज़ किया जो लेफ्ट और राइट इसको मतलब मूव करवा रहा है। तो बाकी जो ये एम्बियंट वाले साउंड हैं इनमें मैंने क्या इफेक्ट यूज़ किया, इनमें मैंने वॉल्यूम बैलेंसिंग करी है सिर्फ, और एम्बियंट वाले साउंड में अगर हम चलते हैं तो आप देखो कि थोड़ा सा लो कट कर दिया है मैंने, और किक स्टार्ट को मैंने अभी ऑफ कर दिया था, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो बाकी आप देखो तो कुछ नहीं है, मैं एक बार आपको ये साउंड पूरा जो मैंने बनाया है उसको सुना देता हूँ। अभी देखो ये मैंने आपको जो फुल म्यूजिक था उसको सुनाया था फर्स्ट कोरस का, तो अभी मैं आपको ये सुना देता हूँ। यहाँ पर कुछ चेंज आ रहे हैं, कुछ बीट बढ़ रही है, तो यहाँ पर ये वाला जो साउंड है जो कि मैं आपको सुनाता हूँ, तो ये बाद में बढ़ रहा है, बस ये डिफरेंस है। तो अभी हम सुनते हैं इसको। तो इस तरीके से ये साउंड बढ़ रहा है, यहाँ पर मैंने एक फिल भी दिया हुआ है जो कि कुछ इस तरीके का है, तो पूरा सॉन्ग हो जाता है। अब देखो सॉन्ग के बाद में जो कोरस आ रहा है उसमें हमें कुछ चेंज करने पड़ते हैं, तो अभी जो साउंड है वो कुछ ऐसा है, और बाद में जो आ रहा है वो, तो यहां पर कुछ चीज अलग जुड़ रही है वो है ये साउंड। ठीक है, और इसके साथ और कुछ तो इसमें अलग नहीं है, नहीं और कुछ इसमें अलग नहीं जुड़ रहा है। तो आपको जो सेकंड कोरस आ रहा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपने सेम ही बना दिया, सेम बना दो अगर आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश करो कुछ ना कुछ डिफरेंस हो। तो अभी हम आगे चलते हैं, अब देखो शुरुआत में चलते हैं।
यहाँ पर मैंने जो इफेक्ट्स डिसेबल किए हुए हैं उनको मैं अनेबल कर देता हूँ। तो ये मैंने शुरुआत में फ्रूटी फास्ट एलपी लगाया हुआ है, जो कि कट ऑफ वाली, इसको मैंने ऑटोमेशन दिया हुआ है, तो धीरे धीरे ओपन हो रहा है। यहाँ पर एक बेस का साउंड चालू हो रहा है, जो कि सिंपल मैंने बेस इंट्रो नाम से साइन बेस को यूज़ किया, एक फ्लैट मतलब यहाँ पर एनवलप लिया हुआ है देखो, और इस तरीके का सिंपल, और कुछ इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया। आगे इसमें इफेक्ट में मैंने क्या यूज़ किया, इफेक्ट्स में मैंने कुछ यूज़ नहीं किया, वॉल्यूम बैलेंसिंग करी हुई है सिर्फ। एक मैंने यहाँ पर पानी का साउंड डाला हुआ है, तो ये एक अच्छी फील दे रहा है। और बीच बीच में मैंने स्ट्रिंग का साउंड डाला हुआ है, ये भी कश्मीर पैक से ली हुई है मैंने। अरे नहीं, ये तो एम्बियंस का साउंड है, एयरी साउंड है ये वाला, ये कश्मीर पैक से लिया हुआ है। तो ये भी देखो एम्बियंस बना रहा है, आप अगर ध्यान से सुनो, एम्बियंस को सुनो और ये वाले साउंड को देखना। तो देखो हल्की हल्की सी चीज़ें जो आपके एम्बियंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाती हैं। मैं आपके लिए एम्बियंस का ट्यूटोरियल अलग से लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको ये जैसे मैंने डिज़ाइन किया है उसको सिखाऊंगा शुरुआत से बनाना। और यहाँ पर मैंने कुछ कुछ फिलर्स के तौर पर स्ट्रिंग्स का साउंड और यूज़ किया है, कश्मीर पैक से ली हुई है ये भी, और कहीं कहीं मैंने इफेक्ट्स भी डाले हुए हैं। ये रिवर्ब प्लग का इफेक्ट है। तो बाकी आप देखो कि स्वीप ट्रांजिशन, मतलब ये एफएक्स और नॉइज मैंने डाले हुए हैं इधर, और कुछ नहीं है अलग। आप ये पूछ सकते हो कि ये पियानो का लाइब्रेरी कौन सी है, एलिसिया कीज का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कॉन्टैक्ट के अंदर। और बाकी तो अब देखो आप यहाँ पर फिल्टर होता जा रहा है साउंड ऑफ। तो यहाँ पर मैंने लॉन्ग फिल लगाया है, और इसके साथ मैंने लीड को इंट्रोड्यूस किया। लीड को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने देखो यहाँ पर ऊपर चलते हैं, ये रहा, तो यहाँ पर मैंने जो DGM फिल्टर का यूज़ किया है और एंडलेस स्माइल का यूज़ किया है। तो एंडलेस स्माइल क्या कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। तो एंडलेस स्माइल एक तरीके से जब आप बिल्डअप का एरिया होता है वहाँ पर एंडलेस स्माइल का यूज़ करते हो, तो ये क्या करता है, थोड़ी सी एनर्जी है उसको कम करता है, फिर आप जैसे ही आपका जो कोरस आता है वहाँ पर एनर्जी फुल हो जाती है। तो देखो तो अभी एंडलेस स्माइल क्या कर रहा है, एक एनर्जी को थोड़ा सा कम कर रहा है कोरस के आने से पहले, और फिर एक हाइप सी बन रही है, और उसके बाद वो पूरी फुल एनर्जी के साथ आ जाता है। तो ये देखो एंडलेस स्माइल का मैंने कर्व इस तरीके से बनाया हुआ है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एंडलेस स्माइल नहीं है, तो मैंने पिछले वाले ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको मैनुअली हाई कट करके लो कट करके किस तरीके से साउंड बनाने हैं मैंने बनाया हुआ है, इसमें बस टाइम सेव हो जाता है और कोई बात नहीं है। आगे अब अगर हम चलते हैं, तो मैंने सेम जो ये इतना म्यूज़िक बना था इसको कॉपी करके आगे यहाँ पर लगा दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ चेंज किए हैं देखो। तो अभी बीट चेंज हो गई है देखो, और यहाँ पर मैंने जोड़ा क्या है, यहाँ पर मैंने सितार का एक लूप जोड़ा है, तो ये फिट हो रहा था यहाँ पर, इसको मैंने जोड़ दिया। इसके साथ मैंने एक बीट का लूप और जोड़ा है, जो कि कुछ इस तरीके का है। तो इससे थोड़ा सा डिफरेंस मेरे को जो वर्स 2 है उसमें देखने को मिल गया। अब आप देखो कि यहाँ पर एक आर्प और जोड़ा हुआ है मैंने, जो कि कोरस में यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम मैंने सुनाया था। यहाँ पर आप देखो पहले अगर एरिया में चलते हैं, पहले वाले वर्स वाले सेक्शन में चलते हैं, तो यहाँ पर आर्प नहीं था, यहाँ पर अब वो आर्प आ चुका है, तो आपको कुछ नई चीज़ सुनने को मिल रही है बीट के अलावा, है ना। इसके साथ ये जो बिल्डअप वाला सेक्शन है यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आर्प नहीं है, और यहाँ पर आप देखो जो बिल्डअप वाला सेक्शन है यहाँ पर भी आर्प जुड़ रहा है।
तो इससे अब आपको कुछ नया बिल्डअप में भी सुनने को मिल रहा है, आपका ध्यान नहीं जाएगा, सुनने वाले का ध्यान ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन उसको कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा, है ना। तो ये चीजें छोटी छोटी होती हैं जो जरूरी होती हैं। और बाकी आप देखो तो FX में मैंने यहाँ पर ये बता दिया या नहीं बताया, मैंने यहाँ पर एक ड्रॉप का यूज किया है, सब बेस ड्रॉप का। तो ये मैं FX की तरह मानता हूँ, यहाँ पर क्रैश का साउंड है एंड में। तो ये छोटे छोटे साउंड्स होते हैं जिनको आपको यूज करना चाहिए, आपका सॉन्ग पूरा प्रॉपर बन जाता है। तो आप देखो कि सिंपल 39 ट्रैक्स मैंने यूज किए हैं इस तरीके से, या 38-37 होंगे उनका मैंने यूज किया है। इसकी LUFS मैं आपको बता देता हूँ कितनी आ रही है, पीछे वाले सेक्शन पर चलते हैं। और आजकल मैं LUFS पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी चेक करते हैं कि कितनी आई है, आप लोगों को भी नॉलेज रहेगी। तो यूलिन लाउडनेस मीटर पर देख लेता हूँ। तो -8.5 के आसपास इसकी LUFS आ रही है, तो इतनी आपकी अगर पहुंच जाती है बढ़िया है, और ज़्यादा आपको डायनेमिक रेंज में कंपेंसेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो कि कोई इफेक्ट से रिलेटेड, या फिर कोई लीड या साउंड डिजाइनिंग से रिलेटेड, या फिर इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल और डिटेल में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, कोई भी चीज़ छूट गई हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो मेरे को कमेंट करना। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको रखना है अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।